सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 8 ऐसे ऐप के बारे में जो आपके स्मार्टफोन की बैटरी को बर्बाद कर रहे हैं, और अगर ये आपके स्मार्टफोन में हो तो आप इन्हें तुरंत अनइंस्टॉल कर दें। अधिकतर स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी मिल रही है या फिर बैटरी ऑप्टिमाइज़ करने का फीचर मिल रहे हैं, बावजूद इसके कि मोबाइल की बैटरी लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर फ़ोन की बैटरी की लाइफ क्यों ख़राब हो रही है? दरअसल इसके पीछे मोबाइल ऐप का बड़ा हाथ है। तो आइए जानते हैं उन 8 एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में जो मोबाइल की बैटरी सबसे ज़्यादा बर्बाद करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है फेमस गेम कैंडी क्रश सागा का। सिक्योरिटी और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली कंपनी AVG के मुताबिक यह ऐप सबसे ज़्यादा बैटरी खाता है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है पेट रेस्क्यू सागा। ये भी एक गेम है और यह ऐप बैटरी के साथ साथ स्टोरेज और डाटा को लेकर भी दिक्कत पैदा करता है। तीसरा ऐप क्लैश ऑफ क्लैंस, ये भी एक गेम है और यह एक मशहूर वॉर गेम ऐप है जो बैटरी की जान ले लेता है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर गूगल प्ले सर्विस का नाम आता है। AVG के मुताबिक यह ऐप डाटा, बैटरी और स्टोरेज को ख़त्म करता है। इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर सबसे बड़ा फ्री क्लासिफाइड ऐप OLX है और यह शॉपिंग के लिए ऐप है। छठे नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्किंग ऐप Facebook है। यह कभी कभी आपका लोकेशन ट्रैश करता है जिसमें बैटरी खपत होती है। और इस लिस्ट में सातवें नंबर पर WhatsApp आता है। आठवें नंबर पर सिक्योरिटी और एंटीवायरस वाले ऐप है जो आपके फ़ोन के जंक फाइल हटाने और फ़ोन को सिक्योर करने का दावा करता है। उसका नाम है 360 मोबाइल सिक्योरिटी। ये ऐप भी आपकी बैटरी की खपत करता है। तो ये 8 ऐप्स ऐसे हैं जो काफ़ी बैटरी ख़त्म करते हैं, लेकिन ये ऐप्स ऐसे भी हैं जो हर फ़ोन में मिलेंगे आपको, ज़्यादातर फ़ोन में आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट ऐप्स भी हैं ये कुछ, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और गेम्स वगैरह। तो ये 8 ऐप्स हैं जो आपके स्मार्टफोन की बैटरी सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। तो हम आपको इसी वीडियो में यही बताने वाले थे, बाकी आपके ऊपर है कि आप इनको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं या अपने फ़ोन में रखना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव, सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब पहले से ही कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं हमें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।